मैं भी इंस्पायर हुआ हूँ भारती के लिए. तुम्हें पतला बनाने का जुनून सर पे है. अरे सल्लू भाई, 300 करोड़ की फिल्में देते हैं, उनको तो हर कोई अपना बाप बनाना चाहता है. अच्छा अनिल कपूर जी, हाय. तेरी दाढ़ी है इसका मतलब ये नहीं किसी को भी बोली जाए. कैसे छोटे लगते हैं वो, तू उनका बाप लग रहा है. अरे मनीष यार क्या कर रहा है, तूने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपना बाप बना लिया. सच्ची बता तेरे पापा कौन है. अरे यार अब मेरे को बोलना ही पड़ेगा, बस मेरी बोलती बंद नहीं हो सकती ज्यादा देर. अरे यार पूरी फिल्म इंडस्ट्री का बेटा हूं मैं, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार है जहां हर धर्म मजहब के लोग एक साथ प्यार मोहब्बत से काम करते हैं यार. और सरहदें भूलकर क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, क्या चाइना, अरे यार भारतीय सबको एंटरटेन करते हैं. हाँ लड़का सही बोलता है. थैंक यू. क्या बात है, आज से तेरा नाम मुन्ना नहीं, आज से तेरा नाम मनीष पॉल है. एक बार जोरदार तालियां मनीष पॉल के लिए. थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल. और साथ ही में जोरदार तालियां भारती सिंह के लिए. थैंक यू. BHARTISING. वेरी गुड भारती, यहाँ पे सब लोग पढ़े लिखे हैं, स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं है. really? मुझे पता है सब पढ़े लिखे हैं. हाँ. अरे मैं अकाउंटेंट को बता रही हूँ, कहीं चेक पे मेरा नाम गलत लिख दिया तो. ओहो या ये भी बात है. कैसे हैं इला जी. मैं बहुत अच्छी हूँ भारती, आप बहुत सुंदर लग रही हैं. थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार तालियां इला जी के लिए. मेरे लिए कुछ कह रही है क्या इला जी. वैसे हर शो में लगते आप हुँ. आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं और ये पतली हो चुकी हैं, तो आप इन्हें टोके ना. बस इससे ज्यादा मैं सांस अंदर नहीं कर सकती. इस स्थान से अपना सूट बनवाना हो हमें कभी भी कॉल करें. सॉरी दो लाइनें. बट मैं चाहती हूँ कि भारती जी प्रेम रतन धुन पायो की वो सिग्नेचर स्टेप करें मेरे. अरे 500 किलो का स्टेप करके दिखाइए आप बेटा. अब आपको दिखाते हैं जब 12 सोनों में एक साथ डांस करती हैं कैसी लगती हैं. रेडी. सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की. पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मेरे घर 250 किलो आयो. फुल ऑफ ग्रेस. सोनम ने कमर हिलाई थी, इसने पूरा कमरा हिला के दिखाया. सूरज जी को आज पछतावा हो रहा होगा कि मैं भारती को ही ले लेता, तो बैक डांसर की इतनी जरूरत ना पड़ती. क्या करिए भारती, अरे यार यहाँ सलमान भाई आने वाले और तू मोबाइल में लगी. सलमान तेरे लिए, मेरे लिए दो. सल्लू. मनीष तुम्हें पता है सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट टीवी से होता है. ओहो, मुझे लगता था बीवी से होता है. एंड द अवार्ड गोज टू भारती सिंह एंड कृष्णा अभिषेक फॉर कॉमेडी नाइट्स. अच्छा कांग्रेचुलेशंस. भारती ध्यान से स्टेज में खड्डा ना हो जाए. रेमो सर, अरे भैया अवार्ड मिला, आराम से होंगे. कैसे सर, कहा था ना थोड़ा मीडिया में रहते हैं, आप माने ही नहीं. कैसा लगता है जब कोई गर्लफ्रेंड अवार्ड ले जाए तो. दिल कचराने आया रेमो. चलिए अभी फ्लाइंग जट भी आ रही है, कभी फ्लाइंग जट्टी के बारे में नहीं सोचा सर आपने, मेरे पे भी फिल्म बनाओ. बेटे फ्लाइंग जट नहीं सोचा था,
पर वो बंदे जो उठाने के लिए चाहिए। मिक्की वायरस तो चली नहीं थी, आगे बढ़िए शो चलाइए। मनीष हाँ, तुम्हें ऐसे देखते हो तुम बड़े अच्छे लगते हो। थैंक यू। लेकिन जब भी मिक्की वायरस आती तो दिल करता मुक्का मारू तेरी पीठ पे। से देखो आजकल क्या है ना, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मेरे ख्याल उन हीरोइंस को देना चाहिए जो लंबे लंबे गाउन पहन के आती है। देखिए वो लंबा गाउन पहन के खुद तो आगे चलती है और पीछे उनका गाउन पूरा स्टेज और सब कुछ साफ कर देता है। अरे भैया चलते शो में क्या एंकर को हटा सकते हैं? मनीष एक बात बता, सब लोग नए साल में नया रेजोल्यूशन ले रहे हैं, तू क्या ले रहा है? मैं तो फिलहाल लोन ले रहा हूँ। मैंने देखी थी तेरी फिल्म प्यार चाइना कमाल है। तो फिल्म देख के लगा कि यस, इस बंदे को उधार चुकाने के लिए लोन लेना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मेरी फिल्म का नाम था मिक्की वायरस, जरा अच्छे से प्यार से नाम लो मेरी फिल्म। ओह माय गॉड, यू मीन कि मैं तुम्हारी फिल्म का नाम खराब कर रही? यस एब्सोल्युटली। और जो तुमने पूरी की पूरी फिल्म खराब की उसका क्या? इसीलिए तो मैंने आप टीवी नहीं छोड़ा। वैसे कोई बात नहीं, बात तो ऐसे करिए जैसे खूब सारे फिल्म के ऑफर आ रखे हैं तेरे पास। मनीष हाँ, अब देखो बड़े बड़े स्टार बैठे हैं, सलमान भाई, बच्चन साहब, मैं इनके सामने मुंह नहीं खोलना चाहती। अच्छा, तुम्हें पता है ये बाजीराव मस्तानी, इसमें पहले मस्तानी कौन बनने वाली थी? कौन? वन एंड ओनली भारती सिंह। उसके बाद असली हाथी मिल गया तो भाई इसको हटा दिया और हाथी को कास्ट कर लिया। करे भारती, तेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है? सनोरिटा। अच्छा, DDLJ। ओए ओए, तुम्हें पता है मैं रोमांटिक फिल्मों के लिए बनी हूँ। क्या बात है भाई, अब तुझे लगता है तो मुझे तो बड़ी जोर की लगता है। वैसे भारती इतना भारी रोमांस हो नहीं पाएगा रियली में। मनीष प्यार अंधा होता है, बहुत ज्यादा अंधा। अंधा होता है? अबे इतना भी अंधा नहीं होता कि नाप ना पाए। अबे गले लगते हुए पता चलता है कि ढोल को गले लग रहे हो कि डॉल को। यार ये कुछ ज्यादा नहीं बोलता, तुम्हें क्या पता यार, प्यार कभी मरता नहीं है। प्यार कभी मरता नहीं? तू बंदे पे पैर रख दे, बंदा वैसे मर जाए। कमाल है, ठीक है शुरुआत तेरे तो कर लेने। नहीं, हम अगले नॉमिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। वेल अगला अवार्ड है बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग रोमांटिक फिल्म भारती, नॉमिनीज देख तू नॉमिनीज। बर्दाश्त नहीं है मुझे। सॉरी मुझे तो भूख लगी है। काजल भूख बर्दाश्त नहीं है मुझे, रंग दे तू मुहे गेरुआ। गेरुआ काजल, भाग जाऊंगा मैं यहां से। बच्चन साहब, भाग जाऊंगा यहां से मैं। बचने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्लराज। ये कौन है जो अपनी बीवी की लाठी डालकर आ गया? खबरदार, तमीज से बात करो, हमारा नाम बाजीराव है। क्यों रणवीर? माची सटकली बाजीराव सिंघम जब से हिट हुई है सब लोग अपना नाम बाजीराव रखने लगे हैं। चल निकल यहां से। अरे क्यों निकल, इन्होंने हमें इनविटेशन दे के बुलाया। चेहरे जैसे लोगों को इनविटेशन नहीं, बैंक के नोटिस आते समझे। जा, तेरी लूना की 3 किस्तें पड़ी है, भरकर आ जा यहां से। काजल गेरुआ। Hey, जबान को लगाम दे। तेरे जैसे पुलिस वाले होते हैं जो गुंडों के सामने खुद ही हाथ खड़े करते हैं और हैंड्स अप बोलते हैं और उनके सामने घुटने टेक देते हैं। हाय, मैं किसी से नहीं डरता, समझे तुम?
मैंने अभी थोड़ी देर पहले सलमान खान को पकड़ लिया था। वो भी कस के। क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ? उसने बहुत छुड़ाने की कोशिश की। हाँ। लेकिन मैं बाजीराव सिंघम। मैंने भी नहीं छोड़ा। मैं कसर सेल्फी के बाद ही छोड़ूंगा। हता माजी सटकली काजल गेरुआ चूत बर्दाश्त नहीं है मुझे, समझे तुम? अबे अब क्या हुआ? अरे सच में गर्दन टेढ़ी होगी, ठीक कर चूत बर्दाश्त। हाँ अब ठीक है। गर्दन तक तुझसे संभाली नहीं जाती। अबे हमें देख, अरे तलवार क्या, हम तो तीर कमान गदा भला सब कुछ संभाल सकते हैं, सब कुछ चला सकते हैं। जब सब कुछ चला लेते हो तो फिर मिकी वायरस क्यों नहीं चला पाए? अरे यार सिंघम, अगर हम अपनी पर आ गए तो तुम्हारी गर्दन कलम कर देंगे।